अस्सलाम वालेकुम। सब्र करने वालों का मुकदमा बेअरब खुद लड़ता है। इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से रजू करता है। तुमने अल्लाह को देखा है? हाँ, कई बार। कब? कब? जब वो बेरी पर्दापोशी करता है, रिस्क देता है, और जब बेरी दुआएं कबूल करता है। तुम जितना लोगों के सामने झुकोगे उतनी ही जिल्लत मिलेगी, जितना तुम रब के सामने झुकोगे उतनी ही इज्जत मिलेगी। लब से मांगकर नहीं रोते, लब से रो के मांगते हैं। तुम अच्छा करते जाओ, अल्लाह पर छोड़ते जाओ, क्योंकि वही इन सब का अज्र देगा। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए, फिर इंसान के दिल से आवाज़ आए, परेशान ना हो, अल्लाह तो है ना। खुदा के रास्ते पर चढ़ आए हो, तेज़ भागो। तेज़ भागना मुश्किल है, आहिस्ता भाग लो। थक गए हो, चल लो, ये भी नहीं तो घिसट लो। मगर वापसी का हरगिज़ मत सोचना। हर उस चीज़ पर जो मुझसे ली गई और जो मुझे बिन मांगे दी गई, शिकवा तो बनता ही नहीं इस पाक ज़ात से जो बेहतर का बदल भी बेहतरीन देता है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिनका कोई नामल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। ताल्लुक भी रिस्क की तरह होता है, बदनीति आ जाए बरकर ख़त्म हो जाती है। लंबा धागा लंबी ज़ुबान हमेशा उलट जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखे। इमाम गज़ाली ने फरमाया, सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इलम वाले हैं। सब इलम वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं। सब इखलास वाले खतरे में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बर से